हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनबॉक्स द बुक यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ अरिहंत की, जो 2023 एडिशन बुक्स आ चुकी है मार्केट में, अरिहंत हरियाणा दिग्दर्शन और 3333 प्लस अध्याय वार वास्तुनिष्ठ हरियाणा जी के। इन दोनों बुक्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अरिहंत की नो योर स्टेट हरियाणा और जो हरियाणा जी के 90 रुपीज़ अप्रोक्स में आती है, वो दोनों बुक्स भी नई एडिशन आ रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ उन दोनों बुक्स के बारे में बात करूंगा। आज मैं आपके साथ इन दो बुक्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको लेटेस्ट लॉन्च बुक्स की अपडेट्स देता रहता हूं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं बुक में, जो नई आ रही हैं बुक, ये अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूं। तो दोस्तों, अगर मैं आज आपके साथ पहले अरिहंत हरियाणा दिग्दर्शन बुक की बात करूं, जो कि एक संपूर्ण अध्ययन है। देखिए, इसमें राज्य के ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथ्यों को भी दिया गया है। रंगीन मानचित्र तो है ही इसमें, जो कि हमें, हम कह सकते हैं, देखिए एंड में एक मैप देखने को मिलता है जो कि हरियाणा का कलरफुल मैप है। ये देखिए, आप इसको पेस्ट करके बाउंड्रीज वगैरह रिमेंबर कर सकते हो। इस बुक का MRP ओनली 250 रुपीज़ है दोस्तों। 250 रुपीज़ में ये 340 अप्रोक्स पेजेस की बुक आपके लिए दी बेस्ट है। आपका कोई भी टॉपिक मिस तो होगा ही नहीं। इस प्राइस में अगर आपको ये बुक मिलती है, अगर लोकल मार्केट से आपको 200-220 तक भी मिल जाती है, तो आप खुद ही सोचो कितने ज़्यादा पेजेस है इस बुक में। साथ ही पेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है अंत की बुक्स की, और इमेजेस तो एकदम बढ़िया तरीके से दे रखी हैं। आज इस बुक के बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए, दो और नई बुक्स आई हुई हैं अरिहंत की, और इस बुक की विशेषताएँ क्या क्या हैं ये देखिए। अध्यायवार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों का कवरेज, मानचित्र व टेबल्स का कवरेज, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि जो कि हमें चैप्टर के हर एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, समसामयिक के घटनाक्रम, ये आपको बिल्कुल लेटेस्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि अब अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल के ही लेटेस्ट देखने को मिलेंगे। अगर मैं आपके साथ इस बुक के यही समसामयिक की घटनाक्रम ही दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए बजट दे रखा है हमें 2023-24 का, एकदम लेटेस्ट बजट के बारे में डिटेल, उसका कल्याणकारी योजना, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। आइए पहले इंडेक्स देखते हैं इस बुक का। ये देखिए, इंडेक्स में अगर मैं बात करूँ तो पहले हमें दिया गया है हरियाणा एक दृष्टि में, जो कि पहले में समसामयिक की घटनाक्रम देखने को मिलेगा 1 से 8 पेजेस में। उसके बाद हरियाणा एक दृष्टि में, हरियाणा के मीनिंग और मतलब इन सभी डिटेल्स को दिया गया होगा। उसके बाद प्राचीन इतिहास 4 से 23 पेज में, देखिए प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्रौद्योगिकी काल, आदिकाल, सिंधु घाटी सभ्यता, महाभारत काल, हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास दे रखा है। इसके बाद सभी लोगों के आक्रमण वगैरह हो गए इसमें। आधुनिक इतिहास 1857 के बाद जो भी हरियाणा का स्थिति थी, 1857 से 1906 तक लगा सकते हो आप। उसके बाद हरियाणा एक पृथक राज्य के रूप में उदय, 1906 में किस तरह से हरियाणा बना, वो सब कुछ आ गया। उसके बाद भौगोलिक संरचना क्या है, जलवायु क्या है, मृदा क्या है, अपवाद तंत्र क्या है, वन संपदा, राष्ट्रीय अभयारण्य एवं वन्यजीव अभयारण्य इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक। उसके बाद कृषि एवं पशुपालन, सिंचाई व्यवस्था, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक संरचना, परिवहन, पुरातात्विक स्थल, वास्तुकला, लोक संगीत, पर्व त्यौहार, मेले, बहुत अच्छी इमेजेस के साथ दे रखे हैं पर्व त्यौहार एवं मेले। तो मतलब आपको कोई टॉपिक मिस नहीं होगा इस बुक में से, ये तो गारंटी है। और इसके बाद देखो, अगर मैं तो हरियाणा में सांस्कृतिक संपदा, इसके बाद पर्यटन स्थल, इसके बाद दोस्तों भाषा एवं साहित्य, भाई भाषा क्या है और साहित्य अकादमी वगैरह से रिलेटेड। उसके बाद प्रशासनिक संरचना, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री आ जाएंगे, न्यायिक प्रशासनिक संरचना, उच्च न्यायालय वगैरह आ गए, स्थानीय स्वशासन, जिलेवार परिचय, सभी जिलों के बारे में डिटेल दे रखी है हमें, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, जननकीय संरचना, कल्याणकारी योजनाएं, ये सभी कल्याणकारी योजनाएं जो कि लेटेस्ट टॉपिक है। इसका खेलकूद, प्रसिद्ध व्यक्तित्व। तो दोस्तों, अरिहंत की बुक्स में आपको यही देखने को मिलता है मोस्टली, जो समसामयिक की घटनाक्रम है उसे कोई चेंज कर दिया गया होता है मोस्टली, बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेंगे, चाहे आपके पास ओल्ड एडिशन है इस बुक का। तो 2023 एडिशन बुक में आपको सिर्फ यही डिफरेंस मिलेगा। अगर मैं बात करूं समसामयिक की घटनाक्रम किस तरह से दिया गया है हमें, तो ये देखिए, ये पहले हमें बजट दिया गया 2023-24 का, बिल्कुल लेटेस्ट बजट है ये देखिए, बिल्कुल डिटेल में बता रखा है। मनोहर लाल खट्टर के पास वित्त विभाग है, और 22 फरवरी को उन्होंने बजट पेश किया, कितने करोड़ का बजट था, कितने पार्क बनेंगे, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ा दी, तो मतलब ये सभी डिटेल्स दे रखी है हमें। इसके बाद हमें कल्याणकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम भी दे रखे हैं, 36वें सूरज कुंड मेले, ये जनवरी 2023 की अपडेटेड है, मतलब फरवरी 2023 तक का मैटर आपको 8 पेजेस में करंट अफेयर कवर हो जाएगा आपका। ये देखिए सभी योजनाएं हैं, चिराग योजना या फिर ई अधिगम योजना, संजीवनी परियोजना, मतलब सभी टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं इस बुक में। खेलकूद के बारे में दे रखे हैं, इसके बाद हमें उसके बाद पुरस्कार एवं सम्मान दे रखे हैं। इसके बाद अंत्योदय पोर्टल के बारे में थोड़ा सा बता रखा है, नई पहले एवं खोज, जो जो नई नई खोज हुई हैं उनके बारे में हमने बता रखा है, और उसके बाद विविध भी दे रखा है थोड़ा सा, जो कि लेटेस्ट और अपडेटेड है। इसके बाद हरियाणा एक दृष्टि में हम देखिए भौगोलिक अवस्थिति, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, क्षेत्रफल, जनसंख्या परिदृश्य, प्रशासनिक परिदृश्य, जिलों के नाम, भौगोलिक क्षेत्रों के नाम, ये सब कुछ हमें दे रखा है। उसके बाद प्रतीक चिन्ह आप देखें तो देखिए इमेजेस के साथ दे रखे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ प्राचीन इतिहास की, तो ये हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत
एंशंट हिस्ट्री हम कह सकते हैं। ये देखिए साहित्य स्रोत, वैदिक स्रोत, बौद्ध साहित्य है, मिताथल, बनावली, राखीगढ़ी, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट्स, कुणाल, गिरावड़, वैदिक काल, ऋग्वैदिक कालीन, उत्तर वैदिक काल, मतलब ये आगे आपके महाभारत का युद्ध भी आ गया इसमें, खोखरा कोट आ गया। इसके बाद दोस्तों इस बुक की खास बात यही है जो कि आजकल आपको मोस्ट ऑफ द बुक्स में देखने को मिल रहा है, ट्विटर ऑफ हरियाणा बुक में भी आपको यही देखने को मिला था कि जैसे ही आपका चैप्टर फिनिश होता है आपको देखिए HSSC प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये देखिए हरियाणा अकाउंटेंट 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, 2017-16 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, साथ ही आपको बता दिया जाता है कि ये क्वेश्चन किस किस पेपर में आ चुका है, तो आपकी रिविजन हो जाती है, लास्ट में आपको उत्तर माला दे रखी है। तो अगर आपने ट्विटर ऑफ हरियाणा बुक का भी रिव्यू नहीं देखा है तो आप उस बुक का भी रिव्यू देख सकते हो, वो भी एक बहुत अच्छी बुक है। और अगर नए हो आप चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिए हरियाणा का मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट हो चुका है अब हमारा, इसमें हमें तुर्क आक्रमण, महमूद गजनवी, मसूद एवं मदूद का आक्रमण, उसके बाद चौहानों का हरियाणा में उदय, ये देखिए इमेजेस भी थोड़ी बहुत, विरोध शाह द्वारा निर्मित गुजरी महल के बारे में बता रखा है, इसके बाद लोधी वंश, सैयद वंश, बल्लभगढ़ सियासत, इसके बाद जॉर्ज थॉमस के बारे में बता रखा है, उसके बाद हमारे MCQ स्टार्ट हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है जो कि हमारा थर्ड चैप्टर हरियाणा का आधुनिक इतिहास। ये देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, रानिया का विरोध, कैथल विद्रोह, बल्लभगढ़ फारूक नगर विद्रोह, समर्थक रियासतें, 1857 से रिलेटेड सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको इसमें, 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा की देशी रियासतें, ये देखिए रातूलाराम के बारे में, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन सब के बारे में बता रखा है, सर छोटूराम, हरियाणा में आर्य समाज, सनातन धर्म, उसके बाद हमारे MCQ क्वेश्चन स्टार्ट हैं, और हरियाणा का पृथक राज्य के रूप में उदय, इसमें हमें ये देखिए शाह आयोग, पृथक राज्य की मांग, पंजाबी सूबे की मांग, जो सच्चर फॉर्मूला वगैरह था वो सभी टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर हो जाएंगे। इसके बाद हमारा भौगोलिक संरचना, भू आकृति, भूगर्भिक संरचना, जलोढ़ मैदान, गिरिपाद मैदान, उसके बाद MCQ मैप के साथ दे रखे हैं हमें। दोस्तों अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहें तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ये हमारी जलवायु स्टार्ट थी और जलवायु खत्म, इसके मृदा संसाधन के बारे में बता रखा है हमें, और ये देखिए दो दो पेजेस में चैप्टर खत्म है। हरियाणा का अपवाह तंत्र एवं झीलें, ये देखिए हमें सुल्तानपुर झील का मैप भी दे रखा है, और इसके बाद अगर मैं बात करूँ हरियाणा में वन संपदा, तो ये देखिए वन संपदा है, ये हमें ये देखिए नेचर कैंप थापली के बारे में इमेजेस के साथ बता रखा है। इमेजेस के साथ दोस्तों बेनिफिट यही होता है कि आपको रिमेंबर करना इजी हो जाता है। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य आगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये देखिए पीपली चिड़ियाघर दे रखा है, हरियाणा में कृषि एवं पशुपालन आगे अब हमारा, ये देखिए इमेजेस के साथ अच्छे से बता रखा है हमें। ये देखिए जितनी भी कृषि से संबंधित केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो भी दे दी हमें, और उसके बाद पशुपालन एवं डायरी भी बता रखा है, पशुपालन विकास हेतु सरकार के द्वारा अन्य प्रयास भी बता रखे हैं, और ये देखिए हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था आ गई, हथनी कुंड बैराज, जवाहरलाल आगरा नहर। तो मतलब आप लो प्राइस में कोई बुक ढूंढ रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। हरियाणा में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन आ गए, तांबा, वर्क, जितने मतलब खनिज संसाधन है, मोस्टली तो कहा जाता है कि महेंद्रगढ़ में ज़्यादा खनिज संसाधन मिलते हैं, तो अगर आप कन्फ्यूज हो किसी क्वेश्चन में तो आप महेंद्रगढ़ को भी टिक कर सकते हैं। हरियाणा की औद्योगिक संरचना आ गई, इंडस्ट्री वगैरह सब, देखिए DLF, साइबर सिटी, रैन बैक्सी लेबोरेटरीज, गुरुग्राम, फरीदाबाद, इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, हरियाणा में परिवहन एवं जनसंरचना व्यवस्था, सड़क मतलब राजमार्ग हो गए NH5, NH7, NH9, NH11, हरियाणा में रेल परिवहन है, इसके बाद जो भी मतलब रैपिड मेट्रो गुरुग्राम में है, हरियाणा न्यायिक उड़यन मंत्र संस्थान के बारे में बता दिया, जहाँ जहाँ मतलब एयरपोर्ट्स हैं उनके बारे में बता दिया, हिंदी फिल्म जगत में हरियाणा आ गया अब हमारा, ये देखिए सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में बता दिया, जो भी मतलब देखिए समाचार पत्र आ गए हमारे, उसके बाद ये जितने भी ये देखिए रणदीप हुड्डा है या फिर यशपाल शर्मा है या फिर सुनील दत्त, ओम पुरी, इन सब की कब डेथ हुई ये भी आ सकता है आपके पास क्वेश्चन। देखिए प्रमुख स्थल राजा नार सिंह का किला, गुरुकुल, झज्जर संग्रहालय है, और साथ ही ये देखिए हरियाणा में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, ये सारे इमेजेस के साथ दे रखी हैं हमें। इसके बाद लोक संगीत के बारे में बता रखा है, बाजे, भगत, जसराज, वीणा, हारमोनियम, सारंगी, नृत्य के बारे में बता रखा है, झूमर नृत्य, लूर नृत्य, धमाल नृत्य। तो मतलब इमेजेस के साथ आपके सभी टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। पर्व और त्यौहार, गुग्गा पीर त्यौहार, जैसे कि नागपंचमी, गोगा नवमी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पिछले एग्जाम्स में देखने को मिले थे, एग्जाम ओरिएंटेड ही हम कह सकते हैं इस बुक को भी। ये देखिए सभी टॉपिक्स को इतने बढ़िया क्वालिटी में और बढ़िया पेजेस में एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद हरियाणा में सांस्कृतिक संपदा, देखिए पगड़ी वगैरह के बारे में, खंडवा, टाड़िया, छैलकड़े, मोहनमाला, माथे पर बोरला पहने जाने की महिलाएं, लोकोक्तियां, और उसके बाद अगर मैं देखूं तो हरियाणा में पर्यटन स्थल दे रखे हैं सभी, कपाल मोचन, बिड़ला मंदिर, दाऊजी मंदिर, काबुली जा मस्जिद, बू अली शाह, कलंदर की दरगाह, यावेंद्र गार्डन, उसके बाद हमें MCQ देखने को मिलेंगे। इसके बाद हरियाणा की भाषा एवं साहित्य है, इसके बाद दोस्तों हरियाणा की प्रशासनिक संरचना दे रखी है हमें, विभिन्न विधानसभाएं हो गई या फिर कौन कब मुख्यमंत्री है, देख अब तक के सभी राज्यपाल, और उसके बाद मंत्रिपरिषद, फिर हरियाणा का न्यायिक प्रशासन एवं विभिन्न आयोग। इसके बाद दोस्तों हरियाणा में स्थानीय स्वशासन दे रखा है हमें, और इसके बाद हरियाणा का जिलेवार परिचय,
इसके बाद दोस्तों हमें पटौदी महल, हिसार, स्टील सिटी के बारे में, जींद, मतलब सभी जिले वाइज सभी जिलों को एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद फिर वही एमसीक्यू क्वेश्चन, हरियाणा में शिक्षा स्वास्थ्य आ गए, कंजपुरा स्थित सैनिक स्कूल, और मतलब ये देखिए सभी टॉपिक्स आपके कवर हो गए। उसके हरियाणा की जनकीय संरचना आ गई है, मतलब जो भी लिंगानुपात वगैरह है आपका वो सब कवर हो जाएगा। इसके बाद कल्याणकारी योजना, ये देखिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट भी है, 5 अगस्त 2020 की। ये देखिए महिला एम किशोरी सम्मान, महिला समृद्धि योजना, हरियाणा कन्या कोष, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विधुर पेंशन की, मतलब आपको ये क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कि कॉमन क्वेश्चन है, कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया, किसान कल्याण योजनाएँ, ये देखिए सभी योजनाओं के बारे में बता रखा है। राज्य में लागू केंद्र में सरकार की योजनाएँ कब लागू हुई, आरंभ होने की तिथि बता रखी है। इसका खेलकूद में देखिए गीता फोगाट, बबीता फोगाट कुश्ती से रिलेटेड, और ये सभी क्रिकेटर्स के बारे में जो भी हरियाणा के हैं किस तरह उन्होंने नाम रोशन किया है, कौन कौन से मेडल जीते हैं। इसके आप प्रसिद्ध व्यक्तित्व में देखिए सुषमा स्वराज, गुजराली लाल नंदा और कल्पना चावला, जनरल दलबीर सिंह सुहाग, रामदेव। तो साथ ही दोस्तों इन सभी चीज़ों के साथ ये बुक का एंड हो जाता है, और साथ में एक ब्यूटीफुल सा मैप दे रखा है। दोस्तों अगर मैं अब आपके साथ बात करूँ हरियाणा की अध्यायवार 3333 प्लस वास्तुनिष्ठ हरियाणा बुक का, ये देखिए हरियाणा लोक सेवा आयोग इन सभी एग्जाम्स के लिए यूज़फुल बता रखा है इस बुक को। दोस्तों इस बुक में हमें ये देखिए 195 MRPS बुक, और बिल्कुल जो आपको वही टॉपिक देखने को मिले थे उस बुक में ऑलमोस्ट सेम टॉपिक्स ही देखने को मिलेंगे। और दोस्तों बस यही है कि इसमें आपको ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और नीचे में आंसर की दे रखी है। आप प्रैक्टिस के लिए इस बुक को परचेज कर सकते हैं, बट मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि आप किसी प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक्स से ही प्रेफर करें। बट यहाँ पे देखिए हमें प्रीवियस ईयर बेस्ड पे ही दिए गए हैं सभी क्वेश्चन, लास्ट में लिखा हुआ है कि किस पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स की कोई बुक ले लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है, ओनली आंसर की दे रखी है। बाकी अगर आप इस बुक को भी परचेज करना चाहें तो ये बुक भी आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। देखिए सभी टॉपिक्स इस बुक में दिए गए हैं। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, साथ ही मुझे ज़रूर बताना कि आप किस बुक के बारे में चाहते हो अपडेट, और ये प्रैक्टिस सेट्स भी दिए गए हैं हमें लास्ट में। इसके बाद देखिए हरियाणा का समसामयिक घटनाक्रम दिया गया जो उस बुक में भी था, बिल्कुल सेम उसी तरह से ही है, कल्याणकारी योजनाएं। तो अगर आपके पास दिग्दर्शन बुक है तो आप सिर्फ इस बुक को भी परचेज कर सकते हो, लास्ट में प्रैक्टिस सेट्स भी दिए गए हैं। तो दोस्तों ये था हरियाणा की बुक्स के बारे में, अगर आप और बुक्स की भी अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।